दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। और आईबीपीएस की ओर से जो बहुत बड़ा अपडेट आया है वो आप सभी के लिए बहुत क्लियर तरीके से समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको हर एक चीज यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा कि आरआरबी मेंस का जो आपका एग्जाम होगा ऑफिसर स्केल 1 का और ऑफिस असिस्टेंट का, तो उसका नया एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, न्यू एग्जाम पैटर्न क्या होगा और एक्चुअल में चेंजेस कहां पर किए गए, ये लोग आप बहुत ध्यान से समझना। तो सबसे पहले ऑफिशियल अपडेट जो है ये आपको 16 तारीख में आया हुआ है, 16 सितंबर में। ओके, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें पहले पॉइंट को ध्यान से आप समझना। तो इसमें लिखा है कि रिवाइज्ड डेट ऑफ ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन जो कि ऑफिसर स्केल 1 के लिए वो है 13/10/2019। ठीक है, मतलब 13 अक्टूबर को आपका जो है ऑफिसर स्केल 1 का जो है वो एग्जाम होगा। ठीक है, पीओ वाला एग्जाम। अब इसके बाद ऑफिस असिस्टेंट की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, जो ऑफिस असिस्टेंट है इसका एग्जाम होगा आपका 20 अक्टूबर को। ठीक है, ध्यान से यहां पर समझना, 20 अक्टूबर को ऑफिस असिस्टेंट की रिवाइज डेट आ चुकी है। एक पॉइंट यहां पर और लिखा है, इसमें क्या लिखा है, द एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर फॉर मेंस एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्किल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज हैज बीन रिवाइज्ड एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स इन द टर्म्स ऑफ द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क इशू बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, मतलब जो चेंजेस किए गए हैं ऑफिसर स्केल 1 में इसके एग्जाम पैटर्न में और ऑफिस असिस्टेंट में, वो क्या क्या है पहले पॉइंट में इन्होंने बताया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहां पर इसको जूम करके भी आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आप और क्लियर तरीके से देख पाए। देखो यहां पर क्या पॉइंट लिखा है कि द वर्जन ऑफ टेस्ट विल बी इंग्लिश एंड लैंग्वेज एज एप्लीकेबल टू द स्टेट विच द एप्लीकेशन इज रजिस्टर्ड। ठीक है, जो वर्जन ऑफ टेस्ट हैं वो आपके इंग्लिश में होंगे ही होंगे। ठीक है, और साथ में एक और लैंग्वेज होगी जो कि स्टेट के द्वारा होगी। तो हिंदी ऑलमोस्ट हर एक जगह है, इंग्लिश हर एक जगह है, इसके साथ में जो लोकल लैंग्वेज है स्टेट की उसको वहां पर कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश आप समझ के चलें कि आप एनी पार्ट ऑफ इंडिया कहीं पर भी अगर एग्जाम आपने भरा है तो आपको हिंदी में सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे, साथ में वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी मिलेंगे। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर होगा इंग्लिश का और जो हिंदी का 4A और 4B, उसमें क्या चेंजेस हैं उसको मैं यहां पर आपको बताऊंगा। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर कह रहा है कि द क्वेश्चन विल अपियर इन इंग्लिश एंड द सेलेक्टेड रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, जो आप सेलेक्टेड रीजनल लैंग्वेज को करोगे उसमें आएगा और आपका इंग्लिश में होगा। ठीक है, स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड रिवाइज स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन मेन्स एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1 इज प्रोवाइडेड इन एनेक्स 1। मतलब यहां पर इन्होंने नोटिफिकेशन पेज में पेज नंबर 2-3 पर सारी चीजें डिफाइन कर रखी हैं। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेसिकली क्या इन्होंने यहां पर जो मेन चेंज है वो क्या किया है। ओके, एक चीज आप और यहां पर ध्यान रखना कि जो पॉइंट नंबर 3 है इसमें इन्होंने बता रखा है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 वाला, ठीक है, वो 13/10 को ही होगा, 13 अक्टूबर को होगा और जो आपका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, जो नोटिफिकेशन आया था 14/6/2019 में, उसके हिसाब से टेस्ट की डिटेल्स आपकी रहने वाली हैं, आपके साथ कोई छेड़छाड़ चेंजेस यहां पर नहीं किए गए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप यहां पर आ जाओ ऑफिसर स्केल 1 के ऊपर। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 में यहां पर इन्होंने क्या मेंशन किया है बहुत ही ध्यान से देखना। टेबल जो बनाई है इसमें ये वाला सेगमेंट अलग रखा है ध्यान से, और ये वाला सेगमेंट अलग रखा है, और बीच में आपको एक वाली पॉइंट ये वाला दे दिया गया जो मैं सर्किल में ड्रॉ कर रहा हूं। पहले क्या लिखा है, देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर रीजनिंग कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये तीनों जो टेस्ट है ये एज इंडिकेटेड इन द वर्जन ऑफ टेस्ट लिस्ट बिलो, मतलब इस पीडीएफ में नीचे के लिए वर्जन ऑफ टेस्ट पूरे दिए गए हैं उसके हिसाब से होंगे। ठीक है, तो ये 40 मार्क्स और ये 50, 20 और 40, इतने इतने मैक्सिमम मार्क्स हैं, इतने इतने क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है, 40 क्वेश्चन 20 नंबर कंप्यूटर और 40 क्वेश्चन 40 मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अब इसके बाद जो 4A और 4B है इसके साथ में जो रीजनल लैंग्वेज है इसके बारे में कोई भी चीज मेंशन नहीं है। ओके, बहुत ही ध्यान से देखना, ये आइदर इंग्लिश में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आइदर हिंदी लैंग्वेज में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, पहले ये सोचा जा रहा था कि जो आपका लैंग्वेज टेस्ट है वो आपको ग्रामर उड़िया में मिलेगी, ठीक है, कंप्रेंशन उड़ीसा में मिलेगा, असमीज में मिलेगा, ऐसा यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर केवल दो लैंग्वेज हैं 4A और 4B, आप या तो 4A को अडॉप्ट करोगे या तो आप 4B को अडॉप्ट करोगे, बाकी जो लैंग्वेज
स्टेट की है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज है, उसको इन्होंने अदर सेक्शन में डाल दिया, रीजनिंग में, क्वांट में, जीए में, ठीक है, कंप्यूटर में। तो जो अदर सेक्शंस हैं वो आपके रीजनल लैंग्वेज के साथ में होंगे, बाकी इंग्लिश लैंग्वेज या आप दोगे या फिर आप हिंदी लैंग्वेज दोगे, ये आपको एज इट इज इंग्लिश और हिंदी में ही मिलेगा। ओके, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आ जाओ कि जो इनका, देखो बहुत क्लियर तरीके से कन्फ्यूजन यहाँ पर होना नहीं चाहिए, ये जो टेबल डिवाइड है, इस टेबल में ये वाला जो पॉइंट लिखा है एज इंडिकेटेड इन द वर्जन ऑफ टेस्ट लिस्ट बिलो, यही पॉइंट अगर यहां पर लिखा होता एज इंडिकेटेड इन द वर्जन ऑफ टेस्ट लिस्ट बिलो 4A और 4B दोनों में, तब तो हम समझ सकते थे कि जो हमारा लैंग्वेज पार्ट है जो 40 नंबर का आपका, जैसे आप इंग्लिश पेपर अटेम्प्ट करते हो इंग्लिश में, तो आपको एक कंप्रेंशन मिलता है, पैराजम्बल मिलता है, मैच द फॉलोइंग मिलते हैं, इस तरीके से हिंदी में भी मुहावरे आते हैं, ग्रामर हिंदी व्याकरण आता है, ठीक है, हिंदी का गद्यांश रहता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सोचा था कि मे बी लोकल लैंग्वेज में ये वाला सेक्शन भी रहने वाला है, लेकिन ये सेक्शन के आगे एज इंडिकेटेड इन द वर्जन ऑफ टेस्ट लिस्ट बिलो ये चीज़ नहीं लिखी है। तो कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहना, ये आपको एज इट इज हिंदी इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। जैसे अगर कोई पर्सन तेलुगु का है तो ये नहीं कि वो ये वाला जो लैंग्वेज वाला पेपर है वो इंग्लिश हिंदी में ही दे पाएगा, वो उसको तेलुगु में देखने को नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन तो हमारा यही कह रहा है, ठीक है। बाकी इसके ऊपर और अगर फर्दर क्लेरिफिकेशन IBPS का आता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। क्वांट में देखो इन्होंने टेबल में बनाकर लिखा है कि एज इंडिकेटेड इन द वर्जन ऑफ टेस्ट लिस्ट बिलो, ठीक है, ये चीज है। अब आ जाओ कौन से वर्जन ऑफ लिस्ट है, ये अगर आप देखोगे नोट में यहाँ पर क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर CRP RRB 8 मेंस एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ OA मल्टीपर्पज एंड ऑफिसर स्केल 1। इन्होंने क्या लिखा है कि आंध्र प्रदेश में इंग्लिश हिंदी और तेलुगु, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब इंग्लिश और हिंदी हर एक जगह रहेगी, बाकी जो स्टेट की लोकल लैंग्वेज है वो है, जैसे असम में असमीज, ठीक है, बाकी देखो बिहार में और छत्तीसगढ़ में कोई चेंजेस नहीं है, गुजरात में गुजराती को ऐड कर दिया है, मतलब क्वांट का क्वेश्चन आएगा वो एक एक्स्ट्रा गुजराती में देखने को मिल जाएगा, बाकी इंग्लिश में तो रहेगा ही, हिंदी में भी रहेगा। और जो आपका लैंग्वेज वाला पार्ट है वो वाला सीन तो बिल्कुल एज इट इज़ क्लियर है कि हिंदी और इंग्लिश केवल देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये चीज़ बहुत क्लियर तरीके से मेंशन है। कई सारे एस्पायरेंट के मन में कंफ्यूजन है कि क्या वो वाला पार्ट भी आपको लोकल लैंग्वेज में मिलेगा, ऐसा नहीं है। ओके, हरियाणा की अगर आप बात करोगे तो देखो इंग्लिश एंड हिंदी है, हिमाचल प्रदेश में भी इंग्लिश और हिंदी है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में उर्दू को ऐड कर दिया है इंग्लिश हिंदी के साथ में, झारखंड में इंग्लिश हिंदी कोई चेंज नहीं है, कर्नाटका में देखो कन्नड़ा और कोंकणी, ठीक है, कोंकणी, ये दो लैंग्वेज ऐड कर दिए हैं, बाकी इंग्लिश हिंदी साथ में है, केरला में मलयालम ऐड कर दी गई है, बाकी ये है, मध्य प्रदेश में केवल इंग्लिश हिंदी, महाराष्ट्र में इंग्लिश हिंदी मराठी और कोंकणी, ठीक है, मणिपुर में इंग्लिश हिंदी और मणिपुरी, ठीक है, ये लैंग्वेज है। अब आप देखो मेघालय में इंग्लिश और हिंदी, और मिजोरम में भी यही सेम है, नागालैंड में भी सेम है, उड़ीसा में एक उड़िया को ऐड कर दिया गया है, इंग्लिश और हिंदी में पेपर तो मिलेगा, और पुडुचेरी में आप देख लो क्या क्या है, इंग्लिश हिंदी के अलावा तमिल तेलुगु और मलयालम, ठीक है, पुडुचेरी में ये तीन भाषाएँ हैं। पंजाब में पंजाबी को भी प्रेफरेंस दी गई है, मतलब क्वांट का और रीजनिंग का, कंप्यूटर का, ठीक है, जीए का क्वेश्चन आपको इन लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगा। राजस्थान में, तमिलनाडु में तमिल ऐड कर दिया गया है, तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू है, त्रिपुरा में बंगाली है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आप देख लो उर्दू को भी प्रेफरेंस दी गई है, हिंदी भी है और इंग्लिश में है, ठीक है, यूपी में तीन लैंग्वेज में आपके क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, ठीक है, उत्तराखंड में इंग्लिश और हिंदी, वेस्ट बंगाल में इंग्लिश हिंदी और बंगाली, ठीक है। तो यार ये नोटिफिकेशन आपका कहना चाह रहा है, एक बार फिर से इसकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, ऑफिसर स्केल 1 में मीडियम ऑफ एग्जाम ये वाला जो टेबल ये दिखाता है एज इंडिकेटेड इन द वर्जन ऑफ टेस्ट लिस्ट बिलो, तो जो टेस्ट लिस्ट के वर्जन है वो तीनों में चेंजेस होंगे, बाकी 4A और 4B ये आपका ये वाला फॉर्मेट है, बाकी 5 नंबर का है ये क्वांट है, 4A अडॉप्ट करोगे या तो 4B करोगे, कोई भी आपको एक चूज करना होगा, फिर इसका मतलब पेपर या तो इंग्लिश में आपका ग्रामर वाला पोर्शन देखने को मिलेगा, कंप्रेंशन इंग्लिश में आएगा, पैराजम्बल क्लॉज टेस्ट इंग्लिश के एरर्स सब आएंगे, या फिर आपका हिंदी में आएगा, गद्यांश आएगा, ठीक है, आपके मुहावरे आएंगे, आपके सही वाक्यों का अनुवाद करना है, ठीक है, और वाक्यों में त्रुटियां हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी, क्योंकि लिखा है कैंडिडेट कैन ऑप्ट आइदर 4A और 4B। अगर जिन लोगों के मन में अभी भी संशय होगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ये जो लाइन यहाँ पर लिखी है यही लाइन इंग्लिश और हिंदी के आगे अगर लिखी होती तो इसका मतलब मीडियम ऑफ एग्जाम जो है वो आपका टेस्ट लिस्ट के जो वर्जन्स दिए हैं उसके हिसाब से होता है। ओके, और टेस्ट लिस्ट के वर्जन मैंने आपको दिखा दिए,
जिसके हिसाब से जो जो सेक्शन है उसके आगे टेबल में नाम मेंशन कर दिया गया है। बाकी अगर कोई फर्दर क्लेरिफिकेशन आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अभी क्या है कि आप लोग मेंस के लिए तैयारी करो, ये टाइम आप सभी के लिए बहुत मूल्यवान है। 13 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, 20 अक्टूबर को क्लर्क का एग्ज़ाम है, ठीक है। रिजल्ट आपका बहुत जल्दी ऑफिसर असिस्टेंट का देखने को मिल जाएगा। और जिन लोगों के मन में डाउट है कि IBPS PO प्री भी पढ़ने वाला है, ओके, तो मैं आपको बता दूं कि प्री का एग्ज़ाम 12 तारीख को है और 13 को कैलेंडर में लिखा है, तो 13 तारीख को तो ये RRB का करा रहे हैं, तो 13 को कोई भी ऑफिस ये आपका IBPS PO का एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके अलावा 19 और 20 में है, तो 19 को बाकी लोगों के एग्ज़ाम पड़ जाएंगे, 20 तारीख को ऑफिस असिस्टेंट मेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन की डेट इस तरीके से रखी गई है। बस दिक्कत क्या हो जाएगी ना कि कुछ लोग जैसे कि अपना ऑफिसर जो आपका RRB ये IBPS PO का पेपर देंगे, ठीक है, तो अगर उनका 12 तारीख में पड़ गया ऑफिस ये PO वाला पेपर और जो ऑफिसर स्केल बनकर 13 को पड़ गया, तो उनको मूव करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 12 को ये पेपर देंगे, 13 तारीख को उनको किसी अदर जगह पर जाकर मेंस देना होगा। जैसे कुछ लोगों का लखनऊ में मेंस पड़ता है, अदर रीजंस में पड़ता है, ठीक है, कानपुर किसी का पड़ रहा है, तो कोई कहीं रह रहा है, तो उसको वहाँ पर भागना पड़ेगा। ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती है। बाकी एज इट इज़ जो शेड्यूल है वो आप सभी के सामने है। मुझे लग रहा है कोई हिडन चीज़ यहाँ पर है नहीं, क्लियर तरीके से है, आपको बस समझने की ज़रूरी है। तो ध्यान से सारे लोगों को बता भी देना, इस नोटिफिकेशन को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देना, ठीक है, ताकि वो लोग भी देख पाएँ, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे ज़रूर कमेंट में पूछें, और ये ओपन फोरम है, आप लोग अपने कमेंट्स करें, आपके दोस्त वगैरह मदद करते हैं। और साथ में दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, अगर पूरी वीडियो आपने देखी आपको फ़ायदा मिल रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अभी भी कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।